सो हेलो माय अमेजिंग एंड एंथुजियास्टिक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ऑक्सीफोर्ट इंटीरियर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारी वार्डरोब और किचन रिमॉडलिंग का ये थर्ड वीडियो है और इसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फो जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ वो रीज़न शेयर करने वाली हूँ दोस्तों जिनकी वजह से हमारे स्पेसेस में मॉइस्चर की प्रॉब्लम अराइज होती है। इसमें से एक रीज़न ऐसा है दोस्तों जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर जाते हैं या फिर उनको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती है। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारे रीजंस जो है वो शेयर करूंगी जिससे आपको एक इंसाइट मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर भी मॉइस्चर का कोई प्रॉब्लम है तो आप इन रीजंस को चेक कर सकते हैं कि कहीं इनमें से किसी एक रीज़न की वजह से तो आपके यहाँ पर मॉइस्चर का प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने यहाँ से मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला रीज़न होता है फाउंडेशन से मॉइस्चर का प्रॉब्लम अराइज होना। होता क्या है दोस्तों, फाउंडेशन से दो वजह से ही मेनली मॉइस्चर की प्रॉब्लम आती है। या तो आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया होता है जो फाउंडेशन को बनाने के लिए किया जाता है, या फिर आपने लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया होता है। मैं यहाँ पर आपको एक ही एडवाइस दूँगी, एक तो आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कीजिए, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, साथ ही में आप जो मटेरियल फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी क्वालिटी का लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर मतलब बिल्डिंग एक ही बार बनेगी, अगर उसकी नींव ही कमज़ोर है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका बजट लो है तो आप जो फिनिशिंग आप वॉल्स पर लेने वाले हैं या जो फर्नीचर लेने वाले हैं आप उसमें थोड़ा सा बजट को मैनेज कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, आप कभी भी इनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, उसमें आपकी इतनी कॉस्टिंग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया और फाउंडेशन अच्छे मटेरियल के साथ नहीं बनाई तो वो बिल्डिंग आपको लाइफ टाइम जो है, या फिर जब तक आप उस बिल्डिंग को दोबारा से तोड़कर नहीं बनाते हैं तब तक आपको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो देती रहेगी, चाहे वो मॉइस्चर की हो, टर्माइट की हो, मोल्ड मिल्ड्यू की हो या कोई और प्रॉब्लम हो, वो आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। तो बेटर इसकी फाउंडेशन को मजबूत बनाइए। दोस्तों फाउंडेशन अगर आपकी अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या आपने चीप मटेरियल यूज़ किया है तो उससे एक और प्रॉब्लम होती है जो कि मैं आपको लास्ट रीज़न के साथ समझाऊंगी। क्योंकि लास्ट रीज़न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है और उसी में मैं आपको फाउंडेशन की एक और दिक्कत दिखाऊंगी कि उसकी वजह से कितनी बड़ी दिक्कत आपको जो है फेस करनी पड़ सकती है। सेकेंड रीज़न है दोस्तों वॉल्स के थ्रू मॉइस्चर का आना। वैसे तो ये फाउंडेशन से ही कुछ हद तक रिलेटेड है क्योंकि फाउंडेशन में अगर आपकी प्रॉब्लम होती है तो वॉल्स के थ्रू ही मॉइस्चर को बाहर लेकर आती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपकी जो वॉल्स हैं वो 4.5 इंच की है, जो साइड वॉल्स होती हैं हमारी, आउटसाइड जो वॉल्स होती हैं एक्सटर्नल वॉल्स, वो अगर आपकी 4.5 इंच की है तो उसमें मॉइस्चर जो है ज़्यादा जल्दी आता है। क्योंकि कई बार जैसे हमारे छोटे प्लॉट होते हैं, छोटे साइज़ होते हैं, तो उसमें हम 9 इंच की वॉल्स नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उससे अंदर का स्पेस जो है वो और भी कंजेस्टेड हो जाता है, और भी कम हो जाता है। तो अक्सर लोग स्पेसेस को थोड़ा और लेने के चक्कर में साइड वॉल्स जो हैं वो आपकी जो मतलब बाउंड्री वॉल्स होती हैं उनको 4.5 इंच का बना देते हैं। तो उस केस में भी आपके जो है वॉल्स के थ्रू मॉइस्चर आ सकता है। साथ ही में इसमें एक रीज़न ये भी है कि अगर आपने वॉल्स में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं किया है, प्रॉपर प्रोसेस नहीं इस्तेमाल किया है, तो भी आपको मॉइस्चर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो घर बाकी बिल्डिंग साथ में लगी हुई हैं आपकी बिल्डिंग के साथ, उसमें अगर मॉइस्चर का प्रॉब्लम है तो वो आपकी वॉल्स में ट्रैवल कर सकता है। तो ये 2-3 रीज़न होते हैं वॉल्स के थ्रू आपके यहाँ पर मॉइस्चर आने के। नंबर थर्ड इज़ दोस्तों आपके प्लम्बिंग फिटिंग्स का लीक होना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि आजकल जो प्लम्बिंग फिटिंग्स होती हैं वो वॉल्स के अंदर ही हिडन ज़्यादातर की जाती है। तो जैसे हमारी किचन की पाइप्स होती हैं या रेन वाटर की पाइप्स हैं, वाटर की बाथरूम की पाइप्स हैं, तो अगर उनमें कोई लीकेज आ गई है तो आपके यहाँ पर मॉइस्चर का प्रॉब्लम आएगा जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, वहाँ से उस लीकेज को दूर नहीं करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि ये भी हो सकता है कि लीकेज आपके साथ वाली बिल्डिंग में हो लेकिन आपकी बिल्डिंग में वो ट्रैवल कर रही हो। तो आपको चेक कराना होता है, पहले अपने यहाँ पर चेक कराइए कि आपके यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आपके यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिखती है प्लम्बिंग फिटिंग्स में, तो एक बार साथ वाली बिल्डिंग का चेक कीजिए, हो सकता है वहाँ पर कोई लीकेज हो जो कि मॉइस्चर को आपके यहाँ पर ट्रेवल करके ला रही हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ रीज़न की, जो कि है आपकी पैरापेट वॉल से मॉइस्चर की प्रॉब्लम का अराइज होना। अब वो कैसे होता है उसको पहले थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वीडियो और इमेजेस के थ्रू भी उसको समझाऊंगी। तो जैसे सपोज ये आपकी बिल्डिंग की वॉल है, अगर मैं टेरेस के हिसाब से बात करूँ, आपकी टेरेस पर जो आपकी एक वॉल है और साथ ही में एक बिल्डिंग लगी हुई है आपकी बिल्डिंग के साथ, तो ये उसकी वॉल है। मतलब कि एक वॉल आपकी बिल्डिंग की, सेकेंड दूसरे वाले की बिल्डिंग की, जहाँ पर इन वॉल्स का जॉइंट होता है दोस्तों, वहाँ पर हम अक्सर टेपर बनाते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो सड़क के नीचे चला जाए। आई एम श्योर आपके यहाँ पर भी बना होगा, अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है तो एक बार जाके देखिएगा। अगर आपकी बिल्डिंग के साथ में कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पर इस तरह से एक पैरापेट वॉल पर ऐसा टेपर ज़रूर बना हुआ होगा। तो होता क्या है दोस्तों, बाय द टाइम ये जो टेपर है इसमें धूप गर्मी बारिश की वजह से इसमें दरार आ जाती है या फिर ये टूट जाता है समय के साथ, और अगर हम इसे रिपेयर नहीं कराते हैं तो यहाँ से बारिश का पानी जो है वो हमारी बिल्डिंग्स में जाने लगता है और उनको नुकसान पहुँचाता है। ये दोनों ही घरों के लिए, जो वो दोनों वॉल्स हैं, उन दोनों ही घरों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये दोनों को ही मॉइस्चर की प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है जहाँ से हमें मॉइस्चर की प्रॉब्लम मिलती है, लेकिन हम अक्सर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में यही होता है कि फाउंडेशन से प्रॉब्लम है या प्लम्बिंग की फिटिंग की प्रॉब्लम है या यहाँ पर तो जगह ही ऐसी है। तो एक बार आप इसको भी चेक करिए, हो सकता है कि आपका ये जो टेपर है ये टूट गया हो और यहाँ से बारिश का पानी जो है अंदर जा रहा हो। दोस्तों अब आप इस इमेज में देखिए, आपको एक वाइट पेंट का घर दिख रहा होगा जिसपे वाइट पेंट हुआ हुआ है, साथ में एक सीमेंटेड वॉल दिख रही होगी। वो 9 इंच की वॉल है और जो वाइट पेंट वाली वॉल है ये 4.5 इंच की है। इसमें आपको बीच में सेंटर में एक टेपर सी लाइन दिख रही होगी। ये टेपर हम बनाते हैं इस जॉइंट को सिक्योर करने के लिए। अगर आपके तीनों साइड पर या दो साइड पर बिल्डिंग होती है तो अक्सर ये टेपर आपको मिल जाता है देखने को, क्योंकि इससे आपकी जो बिल्डिंग है वो सिक्योर रहती है बारिश के पानी से। तो मैं इसी टेपर की बात कर रही थी कि इसमें कई बार दरार आ जाती है या फिर ये टूट फूट जाता है, तो जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है आपकी बिल्डिंग्स के अंदर जाने लगता है और उसमें आपको फिर मॉइस्चर की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और अगर आपके कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और वहाँ पर ये बारिश का पानी जा रहा है तो आपको बहुत देर से पता चलता है और आपको जो है टर्माइट की प्रॉब्लम भी वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों मैं अब आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ यहाँ की, ये वही घर है जहाँ पर हम किचन और कैबिनेट की रिमॉडलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली फाउंडेशन से प्रॉब्लम है और जैसे मैंने आपको कहा था कि फाउंडेशन से एक और प्रॉब्लम होता है, तो वो मैं आपको बाद में फोर्थ रीजंस के साथ जो है दिखाऊंगी। तो ये देखिए क्या होता है कि अगर आपकी फाउंडेशन अच्छे वे में नहीं बनाई गई है तो आपके जो घर होते हैं यानी आपकी जो बिल्डिंग होती है वो अपने प्लेस से सरक भी जाती है। अगर आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सीमेंटेड वॉल के साथ वो जो टेपर है वो सही से लगा हुआ है, थोड़ी बहुत दरारें वगैरह हैं, थोड़ा टूटा हुआ भी है, लेकिन ये जो वाइट वाला जो घर है ये एक्चुअली अपने प्लेस से करीब 1.5 से 2 इंच सरक चुका है। ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन अच्छी नहीं थी और जैसे ज़मीन में अपनी एक हलचल होती रहती है, फिर साथ में जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो वो हलचल और ज़्यादा होती है, और अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो आपका आपकी बिल्डिंग पर उसका काफ़ी गलत असर जो है वो पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई है और इस चीज़ का किसी को आइडिया नहीं था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो पता नहीं कितने टाइम से ये चीज़ हो रही थी, धीरे धीरे करके ये सरका होगा। तो यहाँ पर ये तीनों चारों साइड ही ये प्रॉब्लम थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो घर है ये 1.5 से 2 इंच सरक चुका है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है जब आप अपनी फाउंडेशन को प्रॉपर वे में नहीं बनाते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है जो फाउंडेशन होती है उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि वो आपको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों ये थे मेन रीज़न्स जिनकी वजह से हमें अपने यहाँ पर मॉइस्चर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मॉइस्चर कभी भी अकेले मतलब एक प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी वजह से आपको टर्माइट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मोल्ड और मिल्ड्यू की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, साथ ही में इन सब चीज़ों का आपकी हेल्थ पर बहुत ही गलत असर पड़ता है दोस्तों। हो सकता है आपको पता ना चले क्योंकि काफ़ी सटल वे में हो, लेकिन जो एलर्जिक पीपल होते हैं जिनको मतलब छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी होती है, उनको मोल्ड मिल्ड्यू से या टर्माइट से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें हमारी हेल्थ पर हमेशा नेगेटिव असर ही होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर मॉइस्चर की प्रॉब्लम ना आए, और अगर है तो आप चेक करिए कि क्या किस रीज़न से है, और अगर आप उसको ठीक करा सकते हैं तो उसको कराइए और अपने यहाँ से जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की शेयरिंग मेरी साइड से, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का वीडियो एंड करती हूँ। हम मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।